हमारा वरिष्ठ साथी भारत सरकार के मंत्री अर्जुन मेघवाल जी और मंच पर बैठे हुए हमारा सांसद साथीगण, और आज यहाँ पर ऑल इंडिया एसटीएससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो दलित संसद बुलाया है, इसमें जो मौजूद रेलवे एम्प्लॉयज और भी दलित समाज के साथीगण, मैं पहले ये एसोसिएशन को बधाई दूंगा। आज ये बहुत एक अहम मुद्दा पर ये जो चर्चा, ये जो डिस्कशन यहाँ पे करने के लिए, लेकिन उसका पहले मैं थोड़ा क्षमा मांगूंगा, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोरी है, मेरा टूटा फूटा हिंदी में मैं बोलने की कोशिश करूंगा। अभी बहुत ये रिजर्वेशन के बारे में राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में भी तुरंत उसको पास होना चाहिए, करना चाहिए। इस बारे में यहाँ पे जो सरकार पास का जो सांसद लोग है वो भी बोला, तो यहाँ पे मैं त्रिपुरा से आता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट दल से, हमारे तरफ से तो कोई उनका पहले से हम जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन इस सवाल लेकर अभी पूरे हिंदुस्तान में और दूसरा जो हिस्सा में भी ये बहुत बातचीत हो रहा है, क्यों 70 साल गुजार गया, 10 साल के लिए ये आरक्षण होना चाहिए था, अभी तो 70 साल हो गया, क्यों 70 साल होने के बाद भी आरक्षण का जरूरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आरक्षण सिर्फ ये इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन नहीं है, उसके साथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ये उसका साथ जुड़ा हुआ है। आज ये जो एससी और दलित आदिवासी, क्यों उनके लिए रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और कोई एडमिशन में ये जरूरत है, ये जो सवाल जो उठा रहा है वो लोग के ये वो लोग ये कह पाएंगे। हिंदुस्तान में जो मंदिर है वहां पे जो पुरोहित है, कब कोई दलित का पुरोहित वहां पे अपॉइंट करेंगे? तो दिखाइए, सोमनाथ मंदिर में, पुरी का मंदिर में, वहां पे दलित पुरोहित लेकर तभी सामाजिक न्याय हिंदुस्तान में आया, वही माहौल आ गया, ये हम समझेंगे। तो जब तक ऐसा माहौल हमारा समाज पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक अगला 20 साल क्या, 30 साल क्या, 40 साल क्या नहीं, जब तक ऐसा माहौल नहीं पैदा हो पाया, समाज ये पैदा नहीं कर पाया, ये होना ही चाहिए। इसके लिए सिर्फ हम दलित आदिवासी नहीं है, लोकतांत्रिक जैसे भी ताकत है सबका भी मदद वहां पे होना चाहिए। दूसरा बात कहना चाहता हूं, अभी बहुत कुछ ये सवाल हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कल मेरा घर में दिल्ली का एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी का बहुत प्रोफेसर मेरा पास आया, मैंने उनको पूछा आपका कौन सा संगठन से आप आया, उन्होंने बोला हम तो इस संगठन भी है, उस संगठन भी है, लेकिन संगठन हम सभी एमपी के पास जा रहा हूँ, इसलिए आपका पास भी आ रहा हूँ, लेकिन हम सब लोग अनुसूचित जाति बैकवर्ड क्लास उनका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन अभी यूजीसी और उसका साथ साथ कोई यूनिवर्सिटी ऐसा एडमिशन
रूल्स बना रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है 15% फॉर दिस मिडिल कास्ट, 7.5% फॉर दिस शेड्यूल ट्राइब, उसको भी मान्यता नहीं दे रहा है। ऐसा हो गया कोई कोई यूनिवर्सिटी में रिटर्न टेस्ट का क्वालिफाइंग मार्क 50 रखा गया, बाइबावसी जो उरल वो 100 कहीं भी होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट में नहीं होता है, आईएएस में भी होता नहीं है, आईपीएस में भी नहीं होता है, कोई मेडिकल का सीट का एग्जाम भी नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता नहीं है। तो क्यों ऐसा किया गया खुद दिल्ली में, इसका पीछे इसका पक्ष क्या कारण है? वही कारण है जैसे ये जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाइंग मार्क में उनको रुका नहीं जाए, वहां पे बाइबावसी में ऐसा इंडिविजुअल मार्क देंगे वहां पर वो रिजर्व कैटेगरी का नहीं आ पाएंगे। दिस इज हैपनिंग, सो दैट्स व्हाई टुडे इट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड दैट द रिजर्वेशन टिल सास सिचुएशन not created in our country, not only in their job recruitment, in education, admission, promotion, everywhere it has to be continued. Neither a large section of our population, hamara jo abadi ka ye bahut bada hissa wo piche rahenge, desh bhi piche rahenge. Uske sath sath abhi Begawal ji bahut acche karke ye एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में बताया, वहां पे भी आज अखबारों में निकला है, आप भी देखे हैं, दो जज जो वो ये जजमेंट दिया है उन्होंने बताया नहीं नहीं हम तो ये एक्ट कोई टकराव नहीं किया है, हम तो उसको सम्मान करता है, लेकिन ईमानदार लोगों का कोई ऐसा इनजस्टिस ना हो जैसे एंटीसिपेटरी बिल ना मिले किसी का कोई एक्यूज, इसीलिए उनको बचाने के लिए किया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो उर्वी लोअर कोर्ट में हो, पूरी हिंदुस्तान का आंकड़ा देखे तो क्या है, परसेंटेज ऑफ सबमिशन ऑफ चार्जशीट कितना है और कन्विक्शन कितना है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे आदिवासी दलित उसका शिक्षा में भी कमी है, वो जो कमजोरी लेकर इसका चार्जशीट बनाने में और जो प्रोसीडिंग्स होता है ऐसा करके उनको डिप्राइव कर रहा है। ये एक्ट होते हुए भी इसका जस्टिस इसका नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप सही बताया परसों जो हुआ है ये हिंदुस्तान में देश में, ये सिर्फ एक्ट के बारे में नहीं है, ये पूरी कल्बिनेशन ऑफ द ग्रीवांसेस ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ पीपल। बट आई अपील दैट सिर्फ हम दलित और आदिवासी अनुसूचित जाति मिलकर ये नहीं होगा, लोकतंत्र के भी जब हम तकबर नहीं कर पाए, गैर आदिवासी लोग जिसका पर जस्टिस का उनका मन है उनका भी समर्थन हमको ना मिले, ये जस्टिस हम कभी नहीं दे नहीं पाएंगे। तो मैं दोबारा ऑल इंडिया एसटीएससी रेलवे एम्प्लॉइज को बधाई देता हूँ, आज ये दलित संसद बुलाने के लिए हमारा जो राय आपको सबमिट करने के लिए हम एक साथ हो पाए, एक साथ मिलकर हम लड़ाई कर पाए, संघर्ष कर पाए, जरूर हमारा ये मांग हम पूरी कर पाएंगे। सबको धन्यवाद।